तो भाई जैसा कि आपको पता है, बजाज कंपनी वाले आपके लिए हमेशा से अपने कस्टमर्स के लिए तड़कती फड़कती चीज़ें लेकर आते हैं, तो उसी हिसाब से हम भी आपके लिए एक बार फिर से, जो कि बजाज का चेतक, उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज का चेतक, उसका फुली डिटेल रिव्यू आपके सामने लेकर आ गया भाई। एक साइड में खड़ा है ब्लैक कलर का बजाज का अर्बन वेरियंट, एक साइड में खड़ा है येलो कलर का बजाज का 2901 वाला वेरियंट। बात कर ले रहे हैं इनकी डिटेल के बारे में, तो भाई आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, फुल्ली स्टील बॉडी देखने को मिल जाती है, एलईडी वाला आपको फुल्ली, मतलब हेडलाइट की बात करते हैं तो फुल्ली एलईडी हेडलाइट आपको देखने को मिल जाती है, आपको एलसीडी या डिजिटल क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है। अब और क्या चाहिए यार, स्टील बॉडी मतलब कोई सा भी स्कूटर अभी तक अवेलेबल नहीं करता स्टील बॉडी, सिर्फ बजाज ये कर सकती है भाई स्टील बॉडी। तो अब बात कर लेते हैं दोनों के बारे में भाई। तो भाई शुरुआत करते हैं हेडलाइट से, भाई फुल्ली आपको राउंड शेप में हेडलाइट देखने को मिल जाती है दोनों स्कूटर की। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पे फ्रंट का पोर्शन आप चेकआउट कर सकते हो, कर्टन जो क्रैश गार्ड है या स्टील का आपको क्रैश गार्ड देखने को मिलता है, स्टील बॉडी के साथ आपको स्टील का क्रैश गार्ड देखने को मिलता है, दोनों में आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मतलब क्या ये इसमें डिजाइनिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग लग रही है दोनों में। यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, नीचे आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, दोनों में आप चेकआउट कर सकते हो। सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे और काफ़ी तगड़े सस्पेंशन होने वाले हैं दोनों स्कूटर में। और टायर की बात करते हैं यहीं पे, तो भाई आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है दोनों स्कूटर में। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपको ड्रम में ही ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, डिस्क में आपको ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। यहीं पर बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की, तो आपको प्रीमियम वेरियंट में आपको डिस्क ब्रेक आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे सामने खड़ा है गोल्ड कलर में। उसके बाद में बात करते हैं इसके टायर साइज के बारे में, तो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कितनी टायर साइज होने वाली है इसकी। ट्यूबलेस टायर होगा और 90/90/12 की आपको टायर साइज देखने को मिल जाती है, और एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। ब्लैक के आपको जो अलॉय व्हील है काफी तगड़े, मतलब काफी प्यारे अलॉय व्हील लग रहे हैं और डिजाइनिंग भी काफी अच्छी होने वाली है भाई। तो भाई इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, दोनों की प्राइसिंग, दोनों वेरिएंट अलग अलग होने वाले, तो दोनों की प्राइसिंग भी भाई अलग अलग होगी। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक कलर के खड़ा है हमारे सामने इसकी प्राइसिंग की, तो भाई ये होने वाला है अर्बन, तो इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं 1,15,000 रुपये आपको एक्स शोरूम प्राइसिंग ब्लैक कलर के अर्बन स्कूटर की देखने को मिल जाती है, जो कि बजाज का चेतक होने वाला है। यहीं पे बात करते हैं 2901 की प्राइसिंग की, तो भाई इसकी प्राइसिंग आपको 95,000 के आसपास आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी एक अच्छा है, मतलब 1,00,000 के अंडर 1,00,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग होने वाली है, तो भाई काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप खरीद सकते हो इस स्कूटर को। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी रेंज की, तो कि भाई ज़्यादातर होता है कि भाई चार्जिंग करने के बाद में कितनी किलोमीटर तक चलेगी, तो भाई ये आपको 123 किलोमीटर के आसपास निकाल के देगा, ये आपको थोड़ा सा कम निकाल के देगा, 113 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको निकाल के देगा, दोनों अच्छी रेंज में होने वाले हैं। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं टॉप स्पीड की, भाई दोनों की टॉप स्पीड सेम होने वाली है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की जो इनकी स्पीड है वो दोनों की सेम होने वाली है 63, तो भाई ये एक चीज़ है यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा डाउन स्पीड थोड़ी सी और होनी चाहिए थी इसकी, बट दोनों काफ़ी अच्छी स्पीड है। नेक्स्ट बात करते हैं चार्जिंग ऑप्शन की, तो भाई अर्बन वेरियंट आपको 4 घंटे में 0 to 100 हो जाता है। यहीं पे बात करते हैं इसकी ब्लू वाले की 2901 वाले वेरिएंट की, तो ये आपको 4 घंटे में 80% ही देखने को मिलता है, जबकि 6 घंटे में ये आपको 100% 0 to 100 में 0 to 100 हो जाता है भाई। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, दोनों में आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाती है, दोनों में आपको यहाँ पे गैप रेल देखने को मिल जाती है, इसमें कुछ काफ़ी डिजाइनिंग गैप रेल की काफ़ी अलग देखने को मिलती है, इसमें आपको सिंगल गैप रेल देखने को मिलती है, इसमें आपको डबल गैप रेल देखने को मिलती है, क्रैश गार्ड पीछे वाला हो गया, दोनों में सेम क्रैश गार्ड आपको देखने को मिलता है, पीछे आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, चेकआउट कर सकते हो दोनों साइड में, दोनों भी स्कूटर पे आपको पीछे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन हो गया, नंबर वाला हो गया, तो कुछ इस प्रकार से आपको दो देखने को मिल जाते हैं। तो भाई एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, दोनों वेरिएंट अलग अलग होने वाले हैं, तो एक में आपको की ऑप्शन मिलता है या की फंक्शन मिलता है, आप इसमें चेकआउट कर सकते हो, आपको की फंक्शन देखने को मिलता है, बट अब जब आप अर्बन वेरियंट में आते हो तो आपको भाई की नहीं मिलती, आपको बटन में वही देखने को मिलता है, सिंगल प्रेस करने पर इलेक्ट्रिक मतलब स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, डबल प्रेस करने पर ये बंद हो जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से होने वाला है। और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें कुछ आगे भी आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिलता है, इसमें आपको इसे ओपन करने के बाद में स्पेस देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों की मतलब क्या ऑप्शन होने वाले हैं, इसकी जो होने वाली है मतलब हेलमेट बेस होने वाला है, कितना लीटर का हेलमेट बेस होने वाला है, तो भाई 21 लीटर का दोनों में आपको हेलमेट बेस देखने को मिल जाता है। तो भाई ये हो गया एक छोटा सा रिव्यू, और भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाना, तो भाई ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।